हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक खास अपडेट। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, क्या है इसकी पूरी जानकारी जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो आइए चलिए ना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक उपयोगी एजुकेशन टिप के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो का टॉपिक है पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, पुलिस में हवलदार सिपाही बनने के लिए क्या करें, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, हाउ टू बिकम अ पुलिस कांस्टेबल इन हिंदी। दोस्तों अगर आप पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं इस बारे में जानकारी तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हम यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं इस बारे में सभी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी कई स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगी। सो फ्रेंड्स, एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना अनिवार्य है, कितनी आयु होनी चाहिए, कौन कौन सी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कई स्टूडेंट्स पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन उन्हें जॉब की सही रिक्वायरमेंट की जानकारी ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं, या फिर इस जॉब के लिए सही तरीके से तैयारी ना करने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। सो गाइस, जैसा कि जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या है जरूरी जानकारियाँ। तो बता दें आपको, पुलिस कांस्टेबल इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता होती है, तभी तो इस पोस्ट को पाने हेतु आपके सफल चांसेस ज्यादा होते हैं। पूर्व तैयारी का मतलब सिर्फ परीक्षा से नहीं बल्कि इसके लिए आपको फिजिकली प्रिपरेशन भी करनी होती है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि ये समय कंपटीशन का है। आप जैसे कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हर स्टूडेंट खुद को सबसे बेहतर साबित करना चाहता है। अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपको इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसा कि इसलिए बता दें आपको, इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन इन दोनों को परफेक्ट तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा गया है कि कई स्टूडेंट परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन फिजिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, इसलिए फिजिकल प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए इसके बारे में। सो गाइस, जैसा कि आगे जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या है आवश्यक पात्रताएं। तो बता दे, पहला नंबर आता है जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है वो उम्मीदवार भारतीय का नागरिक होना चाहिए। तो वही दूसरा आता है जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि तीन नंबर पर आता है जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो किसी भी स्ट्रीम में से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं पास तो होना चाहिए। जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ वर्ष तक छूट भी दी जाती है। तो वही लास्ट में आता है जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की हाइट 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आगे जान लेते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें। यदि उम्मीदवार उपरोक्त बताए गए पॉइंट के अनुसार पुलिस कांस्टेबल बनने के लायक है तो इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवार को शारीरिक एवं लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। गाइस, जैसा कि आगे आता है लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, करंट अफेयर में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। इसके लिए आप राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा की बुक से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा बुक की सहायता ले सकते हैं। वैसे भी आजकल सभी परीक्षाओं की बुक स्टॉल्स पर मिल जाती है। तो वही आगे आता है फिजिकल टेस्ट के लिए आपको रोजाना दौड़ लगाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। अब जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल का चयन कैसे होएगा। तो बता दें आपको, जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है तब उम्मीदवारों को ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो वही आगे आता है उम्मीदवार जब रिटर्न एग्जामिनेशन पास कर लेता है उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में दौड़, इसके अलावा कई तरह के शारीरिक प्रशिक्षण किए जाते हैं। अगर उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में भी पास हो जाता है तो उसे फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल को वेतन कितना दिया जाता है। तो बता दें आपको, एक पुलिस कांस्टेबल को उसके जॉब के अनुसार ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक पुलिस कांस्टेबल को 5200 से 20200 रुपए और प्लस 2000 रुपए का ग्रेड पे के हिसाब से 20 से 25000 रुपए तक प्रतिमा सैलरी मिलती है। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी ही अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।